उस एक मर्द का, तो किताब हो उस एक मर्द की किताब, याद रखिए का की को जैसा वर्ड होगा उस हिसाब से लगेगा। हुमा उन दोनों मर्दों का या उन दोनों औरतों का, ठीक है। तो यहाँ बैत हुमा, बैत यानी घर, हुमा यानी उन दोनों का, उन दोनों का घर, कहाँ पे ध्यान दीजिए, उन दोनों का घर, ठीक है। हुम उन सब मर्दों का, ईमान हुम, ईमान सबको मालूम है उर्दू वर्ड है, हुम उन सब सब मर्दों मर्दों का का ईमान, ईमान, हाँ एक औरत का, उम्मु यानी अम्मी, हाँ उस एक औरत की, देखिए माँ, की लगा यहाँ पर, उस एक औरत की माँ। माँ, बैत हुन्ना, हुन्ना उन सब औरतों का घर, बैत यानी घर, घर, हुन्ना उन सब औरतों का घर, बैत घर, हुन्ना उन उन सब सब औरतों औरतों का का घर। नाउ घर, नाउ सेकेंड पर्सन, तू एक मर्द, क का मतलब तेरा, लेकिन हम लोग ग्रामेटिकली पढ़ रहे हैं इसके लिए तू एक मर्द का, ठीक है। तो अब ये किताब क, तू एक मर्द की किताब। किताब, कुमा तुम दोनों मर्दों का, बैतु कुमा तुम दोनों का घर, घर, कुम तुम सब मर्दों का, रसूल, कुम तुम सबके रसूल, ये तुम रसूल, सब मर्दों के रसूल, की तू तू एक एक औरत औरत का, का, बैतु की तू तू एक एक औरत औरत का का घर, घर, कुन्ना तुम सब औरतों का, बैतु कुन्ना तुम तुम सब सब औरतों औरतों का का घर, घर, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, या मेरा नी नी मुझे मुझे ना ना हमारा, याद है ना हमारा, इसको जोड़ते हैं, रब बी, ये जो या है ना ये ऐसा आ रहा है, देखिए या, ये या है, रब का मतलब पालने वाला, पालने रब का मतलब होता है पालने वाला, तो वाला, या लग रहा है। तो पहले क्या करेंगे, पजेसिव नाउन पढ़ेंगे, पजेसिव नाउन और फिर ये वर्ब, तो मेरा रब उल्टा पढ़ेंगे, पहले मेरा पढ़ेंगे और फिर रब, रज़कनी, जबर आ गया यहाँ देखिए, उस एक मर्द ने रिस्क दिया नी मुझे देखिए पूरा सेंटेंस ये तीन अल्फाज में बन जाता है, रज़क उस एक मर्द ने रिस्क दिया नी, याद है ना, या मेरा नी मुझे ना हमारा, फिर से देखिए, रज़क उस एक मर्द ने रिस्क दिया नी मुझे, शाबाश, किताबु ना, ना मतलब हमारा, हमारा, ये देखिए, या मेरा नी नी मुझे मुझे ना ना हमारा, तो हमारा, हमारी किताब। किताब।